अध्याय दो। उन दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूर्या का हाकिम था। तब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, सो यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उस देश में अनेक गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जैसा स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। और देखो यरूशलेम में शमोन नाम एक मनुष्य था। वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इसराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, आप तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें कही जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी
तलवार से आर पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्य द्विक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वो और यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया।